जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावसकार संडे टू थर्सडे 12 टू 3 पीएम रेडियो वही अपना एफएम 107। Right listeners, welcome back. आप सुन रहे हैं 107 FM प्रोग्राम है ये डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ मौजूद आपकी प्रेजेंटर मावशकान। जैसे हम आपको बता चुके हैं, आपको मैंने बताया था कि नस्लिया नशरात हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे हम जानेंगे और पूरा हमारा अभी जो सिलसिला चल रहा था वो बिजनेस के हवाले से था और बिजनेस प्रोफेसर माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे हमें बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई मिल सकेगी अगर हमें कोई बिजनेस प्लान करना है। तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम नस्लिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। जी अल्लाह का शुक्र खैरियत से। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र फिर एफएम 107 कतर का एंड आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे मधु किया अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस महवेश। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नस्लिया आपका। और मैं आपसे जो सबसे पहले बात जानना चाहूंगी ना वो ये जानना चाहूंगी कि आपका नाम बड़ा डिफरेंट है, नस्लिया नशरा, इसके क्या मतलब है? जी एक्चुअली ये मेरा नाम है नस्लिया नशरा अख्तर। नस्लिया जो है ना वो मेरी नानी ने नाम रखा था। इसकी एक आयत है नहम्दु व नसल्ली अला व रसूलिल करीम से, नसल्ली अला से मतलब अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाली, माशाल्लाह। तो उससे उन्होंने मेरा नाम रखा था नस्लिया और जो है मतलब इसी वजह से जो है वो नस्लिया नशरा तो जिन्हें अलम नशरा जो है एक सूरत है कुरान शरीफ, तो वहाँ से जो है वो है। तो बस ये था कि जिन्हें अच्छा हर कोई मुझे जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं अपना नेम इंट्रोड्यूस कराती हूँ तो मेरा आगे से यही क्वेश्चन होता है सबसे सबका मुझे कि आपका नेम बहुत यूनिक है। हाँ। तो ये है कि जना उनका मुझे नानी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा नाम इस तरह से रखा था कि बहुत यूनिक नेम था वो। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके बारे में। बहुत शुक्रिया। मैं जो है मेरे फादर जो है मेरे पेरेंट्स जो है वो शुरू से सऊदी अरब में रहे हैं तो मेरी अपब्रिंगिंग सारी सऊदीया में रही है। सऊदी अरबिया में मैंने अपनी एजुकेशन जो स्टार्ट की ली, अपनी जो है एजुकेशन पढ़ाई वगैरह की है वो सब यही अलखबर में पाकिस्तानी स्कूल से पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स जो है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना डॉक्टर बनूं। बचपन से मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं जो है डॉक्टर बनूं, डॉक्टर की फील्ड में जाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली सऊदीया में ऐसा था कि सऊदीया में जो है यहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा मुझे ऑप्शंस नहीं मिले। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना अपनी फील्ड को चेंज किया। मैंने बहरीन से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया बिजनेस में। फिर मेरे फादर ने उस चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट की, वो माशाल्लाह से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं तो मेरी स्टडीज को लेके उनकी हर चीज में मेरी बहुत उनकी मेरे साथ सपोर्ट रही, मेरी मदर की सपोर्ट रही, लेकिन उनको पढ़ाई से ज्यादा उनको मुझे होता था कि वो मेरी दूसरी चीजों में बहुत सपोर्ट करती थी। फादर ने पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट की। इसके अलावा मेरे जो है वो मेरी मेरे मामू मामी हैं वो लोग ने सबने पढ़ाई में मेरे बहुत ज्यादा सपोर्ट की। मेरी नानी की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो जब उनका ये था कि मतलब वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं लेकिन अब वो हयात नहीं है। तो जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ तो मैंने सबसे ज्यादा उनको मिस किया क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मेरे डॉक्टर का नाम मेरे साथ हो तो मैं उनको बहुत मतलब बोलना चाहती हूँ उनसे, तो हमेशा से उनको याद करती हूँ इस चीज में। तो मैं जो है वो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया फिर बहरीन से। उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, मलेशिया की यूनिवर्सिटी थी उनका यहाँ पे कैंपस है सऊदीया में, वहां से मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तो मुझे माशाल्लाह से डीन्स अवार्ड मिला, मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन ली। हम मलेशिया गए थे अपनी कॉन्वोकेशन के लिए। तो जब मैं मलेशिया गई मुझे पता नहीं थी ये बात पहले कि मुझे मुझे अवार्ड मिलेगा या मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, मुझे उसी टाइम पे बात पता चली। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का बहुत करम हुआ उस टाइम पे कि जिना मुझे इतना बड़ी अचीवमेंट हुई मेरे लिए। तो
फिर उसके बाद उन्हीं यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे एज अ प्रोफेसर अपॉइंट कर लिया। मैं बिजनेस के लेक्चर्स देती हूँ उन्हीं की यूनिवर्सिटी में, उनका यहाँ पे कैंपस होता है सऊदी में, तो वहाँ मैं पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी रिसेंटली अभी मुझे यूके की यूनिवर्सिटी है वहां से अपॉइंटमेंट हुई है, उनका कैंपस है सऊदी में, वो लोग ओपन करने वाले हैं अभी, तो वहाँ की टीचिंग होगी इंशाल्लाह जनवरी से मैंने स्टार्ट करनी है वहाँ पे भी। तो ये सब तो थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड चीजें रही मेरी, कि मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने मास्टर्स किया, एमबीए किया, फिर अब पीएचडी में एडमिशन लिया। अच्छा, पीएचडी के पीछे भी एक बड़ी स्टोरी हुई कि जो ना मुझे बहुत शौक था, मतलब पढ़ने का शुरू से मुझे शौक रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कोई अचीवमेंट करनी है। तो जब मेरे मास्टर्स हो गया, मास्टर्स के बाद जो है जब मेरा प्लान था कि मैंने जब पीएचडी अपनी स्टडीज स्टार्ट करनी है, तो मैंने काफी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। मैंने जर्मनी में अप्लाई किया, मैंने यूएस में भी किया, मैंने हर जगह काफी जगह किया, मुझे ऑप्शंस मिल गए थे, मतलब हर जगह से रिप्लाई आ जाता था, एडमिशंस हो जाते थे, बट वीजाज में कोई ना कोई इशू आ जाता था मेरे। तो मुझे ये होता था कि क्यों हो रहा है, क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि इंसान के लिए जो चीज सबसे बेहतर होती है, अल्लाह ताला वही चीज उसके लिए चूज करता है। Exactly. तो जब मेरा यहाँ पे हुआ मलेशिया में, मेरी यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर है मलेशिया की, और उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप दी, और मैं वहाँ पे अभी पीएचडी मैंने अपना स्टार्ट किया, पीएचडी कर रही हूँ मैं अभी वहां से। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद यही मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था, जिसको मैं पहले नहीं समझ पा रही थी। तो इंसान जब चीजों को करता है, मतलब जब चीजें पूरी नहीं होती इंसान की, तो हम बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि जो है ना, मतलब हमारे हमारे लिए सही नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, मतलब हम ब्लेम करने लग जाते हैं चीजों को कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। बट इनफैक्ट अल्लाह को पता होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। Exactly. तो इसी तरह फिर इस सब में मेरे हस्बैंड की भी सपोर्ट रही पूरे थ्रू आउट, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, बैचलर्स मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था जब मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने अपना मास्टर्स अपनी शादी के बाद किया अल्हम्दुलिल्लाह, अब माशाल्लाह पीएचडी भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जी। तस्लिया जी जी, उसके बाद ये हुआ कि जो है ना, मैंने जब पीएचडी का भी मेरा ऑप्शन स्टार्ट हुआ, जब मैं पीएचडी पढ़ रही थी, तो उस वक्त मेरे माइंड में एक चीज आई थी कि स्टडीज के साथ साथ ही ना, एक्चुअली मेरे साथ शुरू से ऐसा रहा कि मैं कभी भी कोई एक काम नहीं करती हूँ, मैं एक साथ दो या तीन जगह काम अच्छा। साथ साथ कर रही होती हूँ। तो जी, इसके साथ ये हुआ कि जब मैं अपनी स्टडीज करना स्टार्ट की मैंने, तो मैंने अपनी फ्रेंड से एक बात डिस्कस की। बेसिकली हुआ ये था, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि ना, मेरे पास एक जॉब ऑफर आई जो कि यूएस की जॉब ऑफर थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट करना चाहते हैं, बट आपको जो है 3 मंथ्स का जो ना प्रोमोशन पीरियड दिया जाएगा, जिसके अंदर हम आपको विदाउट पे रखेंगे। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि इस तरह से वो मुझसे कह रहे हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस की ये बात। मेरी एक फ्रेंड होती है, उनैजा नाम है उनका, वो उसने जो ना मुझे बहुत सपोर्ट करी है, और इसके अलावा मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो अंबर असलम उसका नाम है, वो ये दोनों मेरी वो दोस्त हैं जो अब समझ लें कि मेरे साथ 15 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं माशाल्लाह, और हर चीज में मेरी सपोर्ट करना, हर चीज में वो लोग ने मेरी मतलब बहुत हेल्प करी है हर चीज में। तो मेरी फ्रेंड होती है वो बिजनेस में ही ऑलरेडी है, वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है तकरीबन कोई 5 to 6 years से। तो मैंने उससे ये बात डिस्कस करी, मैंने कहा यार इस तरह मुझे जो है ना वो आई है एक जॉब ऑफर आई है, ऑनलाइन जॉब ऑफर एज अ मार्केटिंग मैनेजर की, तो प्लीज मुझे सजेस्ट करो। तो मुझसे कहने लगी कि देखो माशाल्लाह तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं और तुम इतना सब कुछ खुद से कर सकती हो, तो व्हाई वोंट यू गो फॉर द जॉब, मतलब तुम खुद से क्यों स्टार्ट नहीं कर रही, तुम्हारे प्लान, तुम अपने खुद से काम क्यों नहीं स्टार्ट करी। मैंने कहा नहीं, मुझे डर लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी भी कोई चीज सक्सेस हो पाएगी, मतलब एक होता है ना अंदर से एक चीज आपके अंदर आ रही होती है। उसने कहा नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम स्टार्ट करो, और मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि तुम जब काम शुरू करोगी, मतलब जब तुम करोगी, तो तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि तुम उसको लेके आगे चल सकती हो, मुझे इस बात का अंदाजा है। तो जब उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने होगा, मैंने कहा चलो अच्छा मैं स्टार्ट करके देखती हूँ। फिर मैंने अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया एज एन एंटरप्रेन्योर काम, तो ऑलमोस्ट अभी 3 महीने हुए हैं। तो मैंने अपना स्टार्ट किया वुमेन
बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर मैं ना वुमेन्स को सपोर्ट करने का मैंने सोचा. अच्छा, मेरे माइंड में एक चीज साथ में ये भी चल रही थी कि मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ जिससे मैं जो है ना लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, स्मॉल बिजनेसेस को, जो कि छोटे बिजनेसेस होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बड़े बिजनेस तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं. छोटे बिजनेसेस के साथ प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि वो लोग जो है ना उनको आइडियाज पता नहीं होते कि अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है. वो लोग बिल्कुल रिसेंटली स्टार्टिंग मोड में होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि जो है ना मतलब किस तरह से हमें अपने बिजनेसेस को डेवलप करना है. तो जब उसने मुझे क्या उसका मुझे मेरी फ्रेंड ने ये बात बोली कि तुम ये इस तरह कर सकती हो, तो फिर मैं ये माइंड में लेकर आई कि ठीक है सही है. फिर मैंने कुछ अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, कुछ मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फिर उसमें मैंने काम स्टार्ट किया अपना. तो माशाल्लाह लोग मिलते चले गए, वो कहते हैं ना कारवा बनता चला गया. मेरी फिर एक मिस लीना से मेरी बात हुई, वो उनका उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया मुझे. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया. मैंने वहां पे लाइव वर्चुअल इवेंट किया. और इसके अलावा हमारा 3 दिन का लाइव वर्चुअल इवेंट रहा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो लेडीज के अपने बिजनेसेस थे, उन्होंने अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, अपना अपनी चीजों के बारे में बताया, अपने बिजनेसेस के बारे में बताया. उसको मैंने होस्ट किया फिर. तो वो बहुत एक अच्छा मतलब रहा उस वक्त हमारा. मैं मुझे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो उसमें से मिस लीना एक थी, जो आपकी भी फ्रेंड है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करी हमारी हर चीज के अंदर. और इसी तरह से काफी लोग उसमें मिलते चले गए. मेरी एक फ्रेंड और होती है शाहीना, उसने भी बहुत सपोर्ट करी मेरी जब मैंने लाइव वर्चुअल इवेंट किया, उसमें भी ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर भी. तो काफी लोग आपको सपोर्ट करते जाते हैं, आपकी हेल्प करते चले जाते हैं. तो इस तरह से मेरा बिजनेस वाला जो प्लान था वो स्टार्ट हुआ. और अब माशाल्लाह से मेरे ग्रुप में काफी मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 100 तक हैं शायद माशाल्लाह. तो मेरा एक फेसबुक का भी ग्रुप है. ये सब मैं जो सिर्फ बिजनेस का जो ग्रुप है मेरा, वो व्हाट्सएप वाला, वो फ्री बिजनेस था सपोर्ट ग्रुप है. इसमें लेडीज आती है, मतलब उनको मैं हेल्प कर रही होती हूँ, उनको गाइडेंस दे रही होती हूँ, उनको बता रही होती हूँ किस तरह से करना है. लेकिन अगर कोई मतलब मुझसे अलग से कंसल्टेशन वगैरह के लिए बात करता है, तो फिर उसके लिए फिर एक अलग जो है ना वो बात होती है फिर पेड ग्रुप की. हाँ, इसके अलावा मैं आप लोग को थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरी जो हिस्ट्री रही है, मतलब मेरे जो दादा थे वो भी माशाल्लाह से जो थे ना वो उर्दू अदब से ताल्लुक रखते थे. मतलब वो मशहूर मारूफ शोरा थे एक. अच्छा. जिस मशहूर मारूफ शायर थे, उनका उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी थी शायरी के साथ में. उनका नाम जो था, बुक्स का जो नेम था उसमें जो है एक का नाम था सफ़े मजगा के नाम से थी. शायद आप लोग को पता हो ख्वाजा मोइनुद्दीन के बारे में, अगर आपको सुना होगा, जो कि टीवी के एक राइटर होते थे, तालिम बालिगा और मिर्जा गालिब बंदर रोड पर उन्होंने बिल्कुल वो उनके साथ के ही थे. 1950s 1960s का जो जमाना रहा, मैंने पर्सनली अपने दादा को नहीं देखा क्योंकि उनकी डेथ तो तभी हो गई थी जब मेरे फादर छोटे थे. लेकिन जो था, मैंने जो उनके बारे में सुना, उनके बारे में उनकी बुक्स पढ़ी है, मतलब वो शायर थे. और इसके अलावा उनका काफी ज्यादा उर्दू के साथ काफी उनका लिंक रहा राइटर्स के साथ. जो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे उनके काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड थे माशाल्लाह. उन सब के सारा मतलब एक लिंक था आपस में पूरा. मेरे दादा का नाम नजर हैदराबादी था. तो ये सब था. जी जी, वो लोगों का था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उनके जो बेटे वगैरह थे वो लोग इस तरफ उर्दू की तरफ नहीं गए. मेरे जो ताया और मेरे अबू वगैरह थे वो लोग माशाल्लाह पढ़ाई की तरफ ज्यादा आ गए. मेरे ताया माशाल्लाह यूएस नेशनल है, वो यूएसए में होते हैं. उनकी भी हर चीज में मेरी बहुत सपोर्ट रहती है. मेरे चाचा मेरी पोपो वगैरह भी काफी बहुत मतलब सपोर्टिव है हर चीज में माशाल्लाह से. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है ना प्लान्स काफी मैं भी अपने लिए करती रहती हूँ कुछ ना कुछ करने का. तो फिलहाल मैं एज ए टीचर जॉब कर रही हूँ, एज ए बिजनेस प्रोफेसर. मेरे पास ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. उसके साथ अपना एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम है मेरा प्लान. अच्छा, एक और चीज ये हुई कि अभी जब कोविड आया था तो मैंने बहुत चीजें ऑब्जर्व की कि लोगों के ना बिजनेसेस बहुत जो ना बिजनेसेस पे ना काफी इश्यूज आए इसके वजह से, कोविड-19 की वजह से. और स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर जो आप वो देखोगे, अगर आप इसको होम बेस्ड बिजनेसेस जो है लेडीज के, उसमें बहुत फर्क पड़ा. होता यह है कि जब भी इंसान, जो मेरा अपना प्लान है वो यही होता है कि जब भी इंसान कोई
कोई भी चीज के बारे में सोचता है उसको एक गोल बनाना चाहिए। उस गोल को अचीव करने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकता है, मतलब अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिससे जो है वो मतलब उस गोल को वो अचीव कर सके। अब होता है ये, जब आप बिजनेसेस वगैरह की बात करते हैं तो लेडीज या जो भी वुमेन, इवन आप जनरल बिजनेस भी देख लें, बिजनेसेस अपने गोल तो बना लेते हैं पर ना उसको तरीके नहीं पता होते कि किस तरह से उनको उस गोल तक पहुंचना है या किस तरीके से उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिसको सही इस्तेमाल किया जाएगा तो वो अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। बेसिकली हम जब भी बिजनेस सोचते हैं हमारे माइंड में ज्यादा ये चीज आ रही होती है कि हमें प्रॉफिट लेना है उस चीज से। तो जब आप ये चीज सोचते हैं कि आपने प्रॉफिट लेना, तो प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करना है, हमारे पास प्रॉफिट आएगा कैसे, तो आपको ये सब सोचने के लिए आपको पूरी एक स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। ये स्ट्रैटेजीज होती है वो आपको बिजनेस एनालिस्ट या जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो उसमें आपकी हेल्प करते हैं कि आपका पूरा बिजनेस कैसे सेटअप किया जाए। तो यही मेरा माइंड था कि मैं, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज है तो एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम में बहुत ज्यादा लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, काफी लोग, काफी मेरे क्लाइंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मेरे साथ काम कर रहे हैं अभी भी। और इसके अलावा जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा जो है मेरे फादर का ना बचपन से एक चीज रही कि वो मुझसे हमेशा से एक शेर बोलते थे, वो कहते थे कि जो है वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। Exactly. तो मैं बचपन से सोचती थी कि ये जो शेर है बाबा जब भी बोलते थे मैं कहती थी कैसे होगा ये चीज, मतलब ये पॉसिबल कैसे हो सकती है कि इंसान अपने आप को उस लेवल पे लेके जाए कि अल्लाह ताला उससे पूछे। तो फिर मेरे माइंड में ये चीज चलती थी कि जो है ना कुछ तो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे पहचाने, मतलब नाम, मतलब ऐसा हो कि लोग मेरी अच्छाई की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे इंशाल्लाह। तो जब ये वाला माइंड में चीज आई कि मुझे लोगों की हेल्प करनी, वो बिजनेसेस को सपोर्ट करना है कि उनकी हेल्प करनी है कि वो लोग किस तरह से अपना ग्रो कर सके, अपना कर सके, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं कैसे दूसरों तक पहुंचा सकूं, उनको बता सकूं कि जो ना वो लोग अपने बिजनेस में क्या चीजें लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जनरल में जब भी आप देखते हैं लोग कोई भी अपना जो भी कोई काम शुरू होता है वो क्या होता है, वो कारोबार की तरह से ही एक चीज शुरू होती है। जब भी इंसान अपना कोई भी चीज, आप चाहे आप एक स्कूल स्टार्ट करते हैं, चाहे आप कोई भी अपना लेके चले गए, आप कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपने उस कारोबार के अंदर आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, आपने प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये सब चीजों के लिए आपको कोई बताने वाला होना चाहिए जो आपको समझा सके कि आप अपने बिल्कुल बिजनेस के अंदर किस तरह से जो है ना सही बात है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा तो अब आपने, आपकी जो पढ़ाई है, जैसे ना आपने पढ़ा माशाल्लाह से पोजीशंस और सब कुछ, तो ये कितना ज्यादा आपके लिए, अभी जब आपने बिजनेस भी अपना स्टार्ट किया है और आप लोगों को गाइड भी कर रही हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो कितना, मतलब एक होता है ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको जब तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो वो फायदेमंद उतना महसूस नहीं हो रहा होता, तो आपको कितना ज्यादा फायदा लगता है कि माशाल्लाह से इतनी डिग्रीज आपने जो ली हैं और बड़े अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई हासिल की है, तो उसमें कितना आपको बेनिफिट हो रहा है इससे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं आपको भी रिसेंट एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बताऊँ, मैंने, मेरा ग्रुप है जिसमें ना मेरी क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनके साथ कुछ बातें शेयर कर रही थी, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो लोगों को भी ये बात पता होगी। तो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी क्लाइंट में मेरी एक फ्रेंड भी है, तो अच्छा। उसने मुझसे आगे से मुझे मैसेज करके मुझे कहने की, सुनो तुमने जो बोला है ना वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम बिजनेस की स्टूडेंट हो, मैं बिजनेस की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे उसको पूरा सही से एक्सप्लेन करके बताओ कि जो है ना तुमने जो बात बोली, वो माशाल्लाह से ग्राफिक डिजाइनर है, तो उसने मुझे कहा कि तुमने जो बात बोली है उसको मुझे अपने इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि तुमने जो बात समझाई है। तो बेसिकली वही वाली बात है कि जो चीज इंसान पढ़ता है, जिसकी उसको नॉलेज होती है, वो इंसान उस चीज को अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से बता सकता है। दूसरा बंदा अपनी फील्ड, अच्छा वो मुझसे कोई बात करेगी अपनी फील्ड से रिलेटेड तो वो मुझे नहीं समझ आएगी, क्योंकि मैं उस फील्ड से बिलोंग नहीं करती। तो मेरी जो पढ़ाई रही थ्रू आउट पूरे बिजनेस की, इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं लेक्चर्स अपने दे रही होती हूँ, मतलब जो मेरी क्लासेस होती है लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप या एंटरप्रेन्योर स्किल्स पे या फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेसेस के अंदर यूज करने के लिए, क्योंकि हर बिजनेस को उन सब चीजों की जरूरत होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए।
राइट अच्छा, तो फिर जैसे ना आपने बताया कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें लोग आपसे आके उस गाइड आप उनको करती हैं मुख्तलिफ हवालों से बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो ये नॉर्मली कौन से लोग होते हैं जिन्होंने कोई स्मॉल बिजनेसेस अपने स्टार्ट करने होते हैं या फिर बड़े लेवल पे स्टार्ट करते हैं? अभी तक तो बड़े लेवल वालों ने तो काफी कम लोगों ने कांटेक्ट किया है, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस की जो लेडीज हैं उन्होंने ज्यादातर मुझसे अप्रोच किया वुमेन के ऊपर, क्योंकि मैंने जो अपना प्रोग्राम किया था वो भी मैंने जो है वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर किया था। राइस क्लब के प्लेटफॉर्म पे हमने 3 दिन का 3 डेज वर्चुअल इवेंट किया था, वो वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट पर था। तो ज्यादातर जो मेरे पास अभी जो मेरा ग्रुप है वो लेडीज का ही ग्रुप है जिसमें वुमेन अपने बिजनेसेस को जो ना इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए मुझसे बात पूछ होती है। बट इसके अलावा मैंने जो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया है उसको एज एन एजेंसी कंसिडर किया हुआ है, तो उसमें भी जो बड़े बिजनेसेस हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। राइट अच्छा, दूसरा ये कि जो आपने खवातीन के हवाले से बताया कि वो आपसे लिंक में रहती हैं और आप उनको गाइड करती हैं, तो मोस्टली किस तरह के ये बिजनेस होते हैं, मतलब जो अगर घर से कोई अगर शुरू करना चाहता है उसके लिए भी एक आइडिया होगा, और किस चीज का ट्रेंड ज्यादा है ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए, सबसे पहले बिजनेस में एक चीज सोचनी चाहिए कि आपका पैशन किस चीज का है, आप खुद से क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि जो चीज आप सोच रहे हैं क्या मार्केट में उसकी वाकई वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। और अभी जो मेरे पास जो ग्रुप में लेडीज हैं वो सब जो है ना ज्यादातर होम बेस्ड वाली लेडीज हैं, जैसे क्रोशेट बिजनेस हो गया, एक एक मेरे क्लाइंट है उनका नाम डी क्रोशेट बोल रहे, वो ना हैंडमेड क्रोशेट के आइटम्स बनाती है, हैंडमेड क्रोशेट के जो ना हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरह से पेंटिंग्स के लोग हैं जो पेंटिंग्स करती हैं लेडीज, हाथ से खुद से कर रही होती है पेंटिंग्स, माशाल्लाह बहुत ज्यादा यू नो टैलेंट बहुत ज्यादा है। हमें वही वाली बात है कि हम मैं जब मैं अपने ग्रुप में लोगों को देखती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह उनके पास इतना टैलेंट है कि मुझे ही हो रहा था यार, मतलब दुनिया में माशाल्लाह लेडीज इतना टैलेंट है। और हमारे पास होता ही है कि मोस्टली जो लेडीज होती है स्पेशली शादी के बाद वो इतना बिजी हो जाती है अपनी चीजों के अंदर कि वो अपने टैलेंट को निकाल ही नहीं सकती है, मतलब वो बता ही नहीं पा रही होती, अपने आप को शो नहीं कर पा रही होती, उनके अंदर वो चीजें होती है मतलब, लेकिन वो नहीं कर पा रही होती। तो मेरा ज्यादातर उनसे यही रहता है कि अगर कोई मुझे कुछ बताता है, मुझसे बात करते, कंसल्टेशन होती है, जैसे अगर कोई मुझसे बात करना चाहे तो वो मुझे कंसल्टेशन पे बात करते हैं, तो वो लोग मुझे अपनी एक्सप्लेन करते हैं कि उनका प्लान किस चीज का है, क्या चीज वो लोग शुरू करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं उसको उनके हिसाब से आइडियाज देती हूँ कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं इसमें। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका किसी का कोई ऐसे शुरू करना चाहता है तो ट्रेंड्स होता है कि आप गिफ्ट्स भिजवा सकते हैं, एक किसी को अगर गिफ्ट के हैम्पर्स भिजवाने फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई बुके या कार्ड्स, और इस तरह का कोई गिफ्ट आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि अगर आपको एनिवर्सरी का गिफ्ट भिजवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं सऊदी में हूँ अब मुझे पाकिस्तान में भिजवाना है किसी को, तो जो पाकिस्तान की लेडीज हैं अगर वो अपना कोई स्टार्ट करना चाह रही है तो वो इस पे काम कर सकते हैं कि वो गिफ्ट हैम्पर्स बनवा के लोगों को सर्विसेज मतलब लोगों को भेज सके उनकी तरफ। तो इस टाइप की कंपनीज भी आजकल काम कर रही है बहुत। वैसे अगर इन जनरल देखा जाए तो आजकल मास्क और हैंड सैनिटाइजर पहले वाला आइडिया वाकई बड़ा जबरदस्त है कि अक्सर मतलब होता है ना कि हमें कोई चीज भिजवानी है, मगर यहाँ से लेके आप भिजवाएं तो वो बहुत महंगी पड़ती है, और अगर वहां से हो तो फिर समझ में नहीं आता कि हमने तो दूसरे को सरप्राइज देना था, तो ये कैसे होगा, उसी से बोलें कि ये लो पैसे और अपने लिए कुछ खरीद लेना। तो ये सही है, अच्छा आइडिया है ये, इस तरह से भी आप शुरू कर सकते हैं। ग्रेट, इज जबरदस्त। अच्छा, अब मैं थोड़े से सवाल भी आपके लिए ऐड करना चाह रही थी। रिशान का मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि शो में खुश आमदीद आपको सबसे पहले तो नस्ल नशरा, और दूसरा ये कि लोग ज्यादातर लोग जो है ना वो छोटे बिजनेस को पसंद नहीं करते और शर्म करते हैं इस तरह के बिजनेस करने में, और इसमें ये बात भी बहुत मशहूर है कि ज्यादातर लोग अपने मुल्कों में तो नहीं छोटे बिजनेस करते या छोटा काम नहीं करते, लेकिन परदेश में लाके सब कुछ कर लेते हैं, तो ऐसा होता है क्या वाकई? जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि हर बिजनेस शुरू तो छोटे लेवल से ही होगा ना। Exactly. मतलब आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो उसको छोटे लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा, और जैसे कि वो कह रहे हैं कि जना मतलब शर्म महसूस करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम के लिए आपको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इवन अगर आप पाकिस्तान में भी किसी छोटे लेवल से शुरू करें तो होता पॉइंट बात सारी ये होती है कि लोगों का तो ये होता है कि वो आपको हर चीज पे जो है ना आप
आपको पॉइंट आउट होता रहेगा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं. तो आपको कोई प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए आप, और आप बैठे आराम से अपना खुद सोचे. सबसे पहले इंसान जो है ना, वो सब जो भी चीज उसको सोचनी है या कुछ भी करना है, उसको सबसे पहले अपना खुद का मुहासरा करना चाहिए, खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या चीज कर सकता है. और जो मुझे लगता है कि इंसान के लिए जो चीज बेस्ट है वो ये है कि वो अल्लाह पे ट्रस्ट करे और अपना काम स्टार्ट कर दे, अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कर सके. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डर रही थी बहुत ज्यादा, मतलब जब मैं अपना भी शुरू कर रही थी, मतलब लाइक एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट अगर आप देखें, अगर मैंने प्लान किया कि मैंने सोचने के लिए, तो लोग कहेंगे वहां इसका तो उसने जो ना इसको शुरू करना चाहिए था बड़े लेवल से, ठीक है. लेकिन मैंने क्या सोचा, नहीं, मुझे छोटे लेवल से छोटे बिजनेसेस को देखना है, क्योंकि बड़े लेवल बड़ी कंपनीज को टारगेट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मौजूद है. वुमेन टारगेट कोई नहीं कर रहा होता, वुमेन को सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाले लोग कंपनीज बहुत कम होती है. तो अगर आपके माइंड में कुछ यूनिक आइडियाज हैं, और आप इवन इवन यूनिक नहीं भी, आपके माइंड में कोई आइडिया और अगर आप उसको छोटे लेवल से भी स्टार्ट करना चाहें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. और इसमें शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो तिजारत तो नॉर्मली भी हुई है पहले भी हमारे, अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री भी उठा के देखी जाए तो वो लोग भी तिजारत ही होती थी, बिजनेसेस होते थे उस जमाने में भी. तो कोई भी शर्म महसूस करने वाली बात नहीं, और अगर लोग इस तरह से सोचते हैं तो मुझे लगता है कि फिर उनकी सोच थोड़ी सी सही नहीं है. राइट. अच्छा, रफीक सन का आपके लिए है मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और आपका सैयदा नसलिया नशरा, और उन्होंने कहा हुआ है कि आपने काफ़ी लाइव प्रोग्राम्स किए हैं और हमने देखे हैं, सुने हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती हैं. और इन्होंने आपसे ये भी पूछा हुआ है कि आप बिज़नेस के बारे में लोगों को गाइड करके, बिज़नेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर चीज़ में आप अवेयरनेस आपसे मिलती है. तो ये उन्होंने आपकी तारीफ के लिए कॉम्प्लीमेंट आपको दिया है. और अर्जुन रॉय ने पूछा है आपसे, हाउ टू डू सेल्स फोरकास्ट फॉर अ न्यू बिजनेस, सेल्स फोरकास्ट, हाउ टू डू सेल्स फोरकास्ट. सेल्स फोरकास्ट, ओके ओके. सो फॉर सेल्स फोरकास्ट आपको पहले ये करना पड़ेगा, पहले आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा. सबसे पहले आप अपना बजट बनाएं, फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को चेक करें कि मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है. ठीक है, अगर आपके मार्केट में प्रोडक्ट वैल्यू है, आप उस हिसाब से अपनी फोरकास्टिंग कर सकते हैं. फोरकास्टिंग और बजटिंग जो होती है वो हमेशा जो होती है वो बिजनेस के अंदर होती है. ठीक है, आगे बाकी जो की स्टेटमेंट्स वगैरह होती है वो आपकी आप जो ना एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए भी बनाते हैं. तो जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए आपको जरूरत यही होगी कि आपने पहले अपने आपने सबसे पहले अपनी प्लान को सोचना है, बिजनेस प्लान बनाए सबसे पहले कि आपके अंदर आपका प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है मार्केट के अंदर. उसके बाद उस हिसाब से आप अपनी डिमांड को आप पहले चेक करेंगे, मार्केट में कितनी डिमांड है, उस हिसाब से आप अपनी सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं. राइट, ग्रेट. अच्छा, दूसरा ये नसलिया, ये बताएं आप मुझे कि कोई भी बंदा अगर प्लान कर रहा हो कि कोई बिजनेस उसने स्टार्ट करना है, तो उसको कितना जो एक टाइम है वो कितना अपने माइंड में रख के स्टार्ट करना चाहिए कि इसमें आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा. अच्छा, ये बात डिपेंड करती है लक के ऊपर भी थोड़ी सी. और दूसरा एक बात और ये चीज है कि इसमें लोग चाहते ये हैं कि उनका 15 दिन 20 दिन और 1 महीने के अंदर पूरा बिजनेस सेट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगता है. पहले सबसे पहला जो चीज है ना, आप अगर ये सवाल करें कि आपको जो है मार्केट में, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन करें कि कितना टाइम चाहिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए या बिजनेस को सेट करने के लिए, तो इसके लिए गारंटी करना बहुत मुश्किल होता है. हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट के अंदर, तो आप ये हो सकता है कि आप जो है ना अपनी पहले मार्केट वैल्यू बनाएं. सबसे पहले आपको अपने लोगों तक पहुंचवाना होगा अपना मैसेज. उसके लिए बहुत सारे बिजनेसेस अपने आप को लॉस में भी लेके जाते हैं. बहुत सारे बिजनेसेस शुरू में लॉस में चले जाते हैं, अपना पैसा खुद लगाते हैं मार्केटिंग के लिए. मेरे एक प्रोफेसर होते थे, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग के ऊपर कितना पैसा उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग के लिए लगाया है. फिर जब जब आपकी मार्केट वैल्यू बन जाती है, एक ब्रांड प्रोपोजिशन होती है, अगर जब आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाती है, जब मार्केट में आपको लोग पहचानने लगते हैं, फिर कस्टमर आपके पास आता है. सबसे पहले आपका मेन वही होता है, तो उसके लिए टाइम लगता है. इट डिपेंड्स कि अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो उसमें थोड़ा ज्यादा लगता है टाइम. सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में ज्यादातर ये होता है कि लोगों की जान पहचान ज्यादा हो जाती है, लोग सर्विसेज दे देते हैं, फ्री में भी सर्विसेज दे देते हैं, तो उसके बाद लोगों को जो है लोगों को पहचानने लग जाते हैं. तो उसमें ये होता है कि वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता. बट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आई वुड नॉट से पर्टिकुलर अमाउंट, बट अराउंड 6 मंथ्स तो लग ही जाते हैं एक सेटअप होने में, बिजनेस पूरा सेटअप होने में, फिर उसकी मार्केटिंग होने में
लोगों को पता चलने में कि लोग आपके पास ये चीज है, आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन बनने में और थोड़ा टाइम लगता है फिर। राइट, ग्रेट। अच्छा, इसके साथ मेरे पास साधन बलोच का आपके लिए मैसेज होने का, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने टाइम दिया हमें, और मेरा प्लान है 8 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ अपनी फैमिली के बिना कितना वक्त गुजार सकता हूँ। मेरा प्लान ये है कि दुकान खोलूँ। इस पे लोगों से जब राय ली तो मैं, दिल मेरा उदास हो गया। लोग बोलते हैं कि पैसा ज़ाया जाएगा, और कुछ जो बात ये भी करते हैं कि नहीं चल पाएगा। तो मुझे थोड़ा सा कुछ आइडिया दें कि इस तरह का प्लान करना चाहिए, मतलब दुकान वगैरह का, कि यहाँ से छोड़ कर जाएँ और दुकान अपनी कोई खोलने का करें आजकल के माहौल में। बातों पे मत आना, नहीं आना चाहिए हमें ज्यादा। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कि जैसे उन्होंने मुझे बात कही कि उन्होंने जैसे बोला कि वो दुकान खोलना चाहते हैं, पाकिस्तान में खोलना चाहते होंगे, चाहे जिस तरह उनका मैसेज है मुझे यही लगा कि वो पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो एनवायरमेंट पहले चेक करें कि वो किस जगह पे जाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कराची एक डिफरेंट सिटी है, इस्लामाबाद एक डिफरेंट सिटी है, इसी तरह से और भी जो सिटीज है उन सबका एटमोसफेयर अलग अलग है। तो जहाँ पे उनके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, वो जिस भी चीज की तरफ जो है ना चाहना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी उस चीज के ऊपर, वो उस जगह पे वो जाए, मतलब वहां पे पहले वो सर्वे करें, अपना पूरी चेक करें कि उनकी प्रोडक्ट किस हिसाब से है, और अगर उसकी वैल्यू है तो जरूर बिल्कुल। और मैं ये कहूंगी हमेशा से, मैं हर किसी को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि प्लीज ये मत सोचें कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ना मुझे भी लोग मुझे भी होता था नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये चीज नहीं हो सकेगी। तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, हो जाएगा, लॉस भी होगा, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस भी होगा, लेकिन हर वक्त इंसान की सबसे मुश्किल टाइम वही होता है कि जब वो अपने फेलियर को देख के फिर दोबारा खड़ा होता है। मतलब आप एक एक दफा में सक्सेस नहीं ले सकते, आपकी लाइफ में बहुत दफा ऐसी चीजें आती है जब आप फेलियर से गुजरते हैं, वो फेलियर आपको सिखाता है कि आपको अगली सक्सेस कैसे लेनी है। तो कभी भी फेलियर को देख के हार नहीं माननी है, हमेशा फेलियर के बाद सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश करनी है। तो आपने अगर ऐसा प्लान किया है तो जरूर इसके बारे में सोचें, उसकी जो है ना उसकी आप पहले जगह सोचें कि आपने किस जगह पे करना है। पाकिस्तान में जो है आपकी सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ है आपके प्रोडक्ट की, कौन सा सिटी आपके लिए सबसे सही है, उस हिसाब से आप प्लान करें, सोचें। उसके बाद फिर पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, और इंशाल्लाह आपको जो है प्रॉफिट होगा फिर। ग्रेट, जबरदस्त। मतलब पहले आपको सबसे पहले मार्केट विजिट करना बड़ा जरूरी है, कि आप जाके देख लें, चेक कर लें कि कौन सी चीज कहाँ पे चल रही है। एक चीज तसलिया तो ये भी होती है, जो लोग गलती करते हैं कि अगर एक बराबर में निहारी की दुकान खोली हुई है ऑलरेडी और वो बहुत चलती है, तो लोग उसके बिल्कुल बराबर में ही वो दुकान खोल लेते हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है वो नहीं चल पाता, और फिर लोगों को मतलब बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो थोड़ा सा ये जरूर मेरा ख्याल चेक करना चाहिए ना, कि पहले आप विजिट कर लें कि वो नहीं है अवेलेबल वहां पे। ग्रेट। अच्छा, और इसमें हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ता है, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपसे आप उनसे कितना बेटर है, मतलब आप उनकी उनकी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिनको आप अपने पास यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक टर्म होती है जिसमें आपको कॉम्पिटिटर्स को पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दी कि निहारी की दुकान, तो अब किसी को उसके साइड पे खोलनी है तो उसकी जगह निहारी की जगह वो चाहिए उसको रोटी की दुकान खोलना है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, अंबर वहीद का मेरे पास मैसेज है, इन्होंने आपसे आपको वेलकम कहा है और कह रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनके, और बिजनेस करने में बहुत सारे लोगों को यकीनन आज बहुत हेल्प मिलेगी आपकी वजह से। और इसके साथ ही फरहत आरिफ का बिजनेस के हवाले से इन्होंने मैसेज किया हुआ है कि बिजनेस करने से पहले कन्फ्यूज, क्या ये मैं नहीं समझ पाई फरहत आप क्या पूछ रहे हैं, तो इसको प्लीज दोबारा से भेज दीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पास है जो कि है ये सनास उमर का, और इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा हुआ है। मैम नुस्लिया, वन क्वेश्चन, व्हेन वी स्टार्ट न्यू बिजनेस हाउ टू डील विद फैमिली क्रिटिसिज्म, इट ब्रेक्स कॉन्फिडेंस, वही वाला है। वही वाली चीज है कि जो है ना अपने ऊपर भरोसा और अल्लाह पर यकीन, और अपने ऊपर भरोसा अल्लाह पर यकीन, बस ये करके चलना है। अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि मेरी लाइफ में भी एक ऐसे पॉइंट आए कि जब भी मुझे होता था कि अभी स्पेशली कोविड के दौरान में भी काफी टाइम ऐसा रहा कि जो है ना मुझे होता था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया मेरी यूनिवर्सिटी एडमिशन में वीजाज कैंसिल होना और ये सब चीजें होती थी, तो मैं भी बहुत अपने अंदर ना बहुत डिमोटिवेट होने लग जाती थी। बट फिर मैंने उस वक्त एक चीज रियलाइज की थी कि जब मैंने अल्लाह की तरफ अपना यकीन किया कि नहीं जो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर लिखा होगा ना वो जरूर होगा, और वाकई हुआ
अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया, चीजें मेरी चलती। मैंने अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया तब भी मैं बहुत ज्यादा, मुझे था कि होगा नहीं होगा, मतलब वो होते ना खौफ रहते हैं अंदर से, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने खुद ही रास्ते बनाता चला गया अल्लाह ताला। और आप मतलब जब आहिस्ता आहिस्ता इंसान उसके ऊपर काम करना शुरू करता है और फिर अपना पूरा यकीन रखता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो इसी तरह से फैमिली को जो है आपको समझाना पड़ेगा, वो लोगों को थोड़ी सी आपको उनको ये चीजों पे कन्विंस करना पड़ेगा कि जिना देखें अगर वो लोग आपके साथ इंशाल्लाह एग्री करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली वालों को, सबको समझाएं तो वो लोग जरूर समझते हैं बात को, ऐसा नहीं है। सब माशाल्लाह से आजकल तो सब लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, एक और चीज आपके प्लेटफॉर्म से डिस्कस करना, आपके पास सॉरी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, दो मेरे पास क्वेश्चन और हैं, कुछ एक जैसे ही है, लेकिन आप अपनी पहले बात कम्प्लीट कर दें फिर हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। ठीक है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं ना पाकिस्तान में एक बिजनेस स्कूल बनाऊं। हमारे पास माशाल्लाह बहुत है स्कूल्स, बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, लेकिन और माशाल्लाह हमारे स्टैंडर्ड्स भी बहुत आए हैं, बट मैंने ऐसा देखा है कि जो है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टीज होती है, मतलब जो कि आपने देखा होगा कि लाइक मेरिट पे ही मिलते हैं हमें एडमिशन, और स्पेशली जो बिजनेस स्कूल है उनकी फीस भी बहुत आई है। तो ये मेरी एक मेरा गोल है इंशाल्लाह जो मैंने अपना पूरा करना है। एक अपना बिजनेस गोल तो है ही है जो कि अपने बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अलावा मेरा एक ख्वाहिश है और एक मेरा गोल है कि इंशाल्लाह ताला कि मैं कम मतलब फीस ज्यादा ना हो, मॉडरेट फीस के ऊपर एक बिजनेस स्कूल पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकूं, और उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम यूजली यूके जा रहे होते हैं, हम बाहर की कंट्रीज जा रहे होते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे पाकिस्तान में भी हम जो है हमारे स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि माशाल्लाह टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, आई नो दिस कि पाकिस्तान में जो है बहुत टैलेंट है, बहुत माशाल्लाह वहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो ये मेरी बहुत ख्वाहिश है। तो अगर इंशाल्लाह अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई मुझसे उस चीज पे भी कंसर्न करना चाहता है, मुझसे लिंक करना चाहता है, तो जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर, अल्लाह करे आपकी जो बहुत अच्छी ख्वाहिश है अल्लाह जरूर इसके लिए कोई ना कोई वसीला बनाए और जल्द अज जल्द ये आपका कंप्लीट हो। अच्छा, अंबर वहीद ने आपसे सवाल किया हुआ, इन्होंने कहा मावेश जी इनसे जरूर पूछे कि कितना अमाउंट होना चाहिए छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन है मेरे पास सिद्दीक अहमद फैसल का, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम सैयदा नसलिया नशरा, आप बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं, आप ये गाइड कर सकती हैं कि थोड़े कैपिटल से कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस किया जा सकता है? मैं फिर आपसे वही बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा है कि अगर आप लोग मुझे, ये लोग सब मुझे मतलब एक आइडिया देंगे ना, वो लोगों के प्लान्स किस तरह से है, मतलब वो लोग किस चीज पे काम करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर उनको डिटेल में गाइडेंस मिल सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे जाना है, देखिये अगर आप सर्विस बेस्ड के लिए जा रहे हैं तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है कैपिटल की, फिर आप जस्ट ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि टाइम बाय टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको फिर अपने वेबसाइट अगर आपने डेवलप करवानी है उस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उस पेजेस पे अपनी करनी पड़ेगी, फेसबुक के अगर आपने उसको रन करने के लिए अच्छा सा प्लेटफॉर्म देना है तो वो ऐसे ऐसे करके सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप सर्विस बेस पे जा रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे भी जा रहे हैं तो आप छोटे लेवल से काम जरूर हो सकता है, छोटे उस पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम हो सकता है, बट इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी मार्केट कौन सी है और आप इस मार्केट में है। फॉर एग्जाम्पल कतर मार्केट इज डिफरेंट, सऊदीया की मार्केट अलग है, पाकिस्तान की मार्केट अलग है, तो हर मार्केट के हिसाब से एनालिसिस होता है कि किस हिसाब से किया जाए और आपके अपने खुद के प्लान किस तरह से हैं। तो जैसे मतलब जो भी अपना प्लान कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये सोचता है कि मुझे खाने का बिजनेस शुरू करना है, कोई केटरिंग का काम करना स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इजीली छोटे कैपिटल से शुरू कर सकता है, वो पहले अपने घर से केटरिंग स्टार्ट कर सकता है, उसके बाद फिर वो फर्दर होटल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी ब्रांड्स हो गए, जैसे अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एक क्लाइंट है जो कि क्रोशेट का काम करती है, तो वो अपना ब्रांड बनाना चाहती है, उन्होंने मुझसे कंसल्ट इसीलिए किया, वो मुझे कहती है कि तुमने मुझे मेरा ब्रांड बना के देना। तो अब अगर वो पाकिस्तान में सोच रही है तो उसके लिए आइडियाज अलग होंगे क्योंकि पाकिस्तान का डिफरेंट कल्चर है, सऊदीया में उनका प्लान है, तो मैंने उनको सऊदीया के हिसाब से पूरा उनको स्टाइल पूरा डिफरेंट हर चीज मैंने उनको बताई कि इस तरह से आपने करना है सऊदीया में,
ये डिपेंड करता है कि आपका अपने माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि हर किसी का अलग माइंड होता है कि मुझे इस प्रोडक्ट बेस पे इस पे काम करना है। हाँ, एक चीज का मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जब भी आप बिजनेस शुरू करें ना, तो कुछ यूनिक आइडिया के साथ शुरू करना चाहिए। कोई चीज जो मार्केट में अगर है भी, तो आपकी चीज उनसे डिफरेंट होनी चाहिए। जब आपकी चीज यूनिक होती है, आपके कॉम्पिटिटर से उनके अंदर कुछ, आपके अंदर कुछ एक ऐसा होता है, तो आपके कस्टमर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। राइट अच्छा, एक जो सवाल और मैं करना चाहूंगी वही कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो लोग घर की सतह से शुरू करते हैं, उसके लिए मार्केटिंग का आजकल सबसे अच्छा और सस्ता तरीका क्या है? सोशल मीडिया सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है, बिल्कुल, क्योंकि आजकल सब लोग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जो ना काम करें। आप सोशल मीडिया पे अपना फेसबुक पेज शुरू कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम, आप तो टिकटॉक की 1 मिनट की वीडियो चल रही है। तो ये है कि आपको लंबा ज्यादा उसको जो है ना डिटेल नहीं करें, आप उसको शॉर्ट रखें और शॉर्ट करके थ्रू जो ना आप उस पर काम शुरू करें। राइट अच्छा, फरहत आरिफ ने दोबारा क्वेश्चन भेजा और मेरा ख्याल है इसका जवाब हो गया, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन शामिल कर देती हूँ थोड़ा बहुत, अगर आप इनको बता दें। हाउ टू गेट रिड ऑफ कंफ्यूजन बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस? To get first plan your business. Business plan is very important for any business. अगर आप कोई business plan अगर आपके पास होगा, आपने पूरा plan बनाया हुआ होगा, तो आपको जो है उसमें problem नहीं होगी। Basically जब भी business plan बनता है, उसमें एक SWOT analysis होता है, जिसमें हम strengths, weaknesses, opportunities और threats को देखते हैं कि आपके business में कौन सी strengths है, कौन सी चीज आपके लिए important है, कौन सी weaknesses है जिसको cover करना है, कौन सी opportunities है जिसके through आप जो है ना market में अपनी जगह बना सकते हैं, threats जो आपके कॉम्पिटिटर्स है कि कौन आपका कॉम्पिटिटर है जो आपको उस जगह पे, मतलब जब आप वहां पे खड़े होंगे तो आपके कॉम्पिटिटर में कौन आपको जो है टारगेट कर सकता है, या ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आपने किस तरह से मार्केट से, मतलब उनके साथ किस तरह से वो करना है, डील करना है, उसके लिए फिर अगेन एक और एनालिसिस होता है। तो बिजनेस में बहुत एनालिसिस होते हैं जिसमें आपको पूरा चेक करना पड़ता है। ग्रेट अच्छा, इसके साथ मेरे पास अहमद सिद्दीकी का मैसेज है और इन्होंने आपको कहा हुआ है कि बहुत खूब ज़बरदस्त, और सबसे पहले आपको सलाम। वो बड़े ही पॉइंट की बात की है आपने कि हमेशा छोटे बिजनेस से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़े काम को करने के लिए छोटे काम से आइडिया मिलता है, और ग्रेट इससे तरह से आप हमेशा कामयाब होंगी। बिल्कुल सही बोला आपने। राइट इसके साथ मेरे पास एक क्वेश्चन और भी है, लेकिन मुझे मतलब वो मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा जो है वो ये है कि आप इसके बारे में शायद ना गाइड कर पाएं। रुस्तम खान ने मैसेज किया हुआ है आपके लिए, और उन्होंने कहा सवाल है मेरा कि मैं गोट फॉर्म खोलना चाहता हूँ, काम शुरू करना चाहता हूँ बकरियों का गोट फॉर्म, तो उसके लिए मतलब मैं कौन से नस्ल की बकरियां खरीदूं? सॉरी, एक्चुअली मैं इतना ज्यादा इसमें डिटेल नहीं बता सकूंगी। हाँ, ये मैं उनको शायद, अगर वो पाकिस्तान में जो है सप्लायर्स को चेक करें, तो मैं उनको ये गाइड कर सकती हूँ कि वो पाकिस्तान में जो, मतलब जो सस्ते सप्लायर्स जो उनको वहां पे मिल रहे हैं, बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरी होती है कि आपको पीछे से, जब भी आप अपना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको अपने ये चीज माइंड में रखनी होती है कि आपकी जो सप्लाई आ रही है वो हमेशा कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मैं 1000 रुपए की कोई चीज बेच रही हूँ और मैं उसको पीछे से 900 रुपए में ले रही हूँ, तो मुझे क्या 100 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है? तो जब भी आप ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो आपने अपने सप्लायर ऐसे ढूंढने होते हैं जो कि आपको सबसे सस्ते से सस्ता जो है ना प्रोजेक्ट्स आपको सप्लाई कर सके। हाँ, क्वालिटी अगेन मैटर्स, कि आप खुद आपने सर्चिंग करनी होगी कि आपकी क्वालिटी जो है ना कितनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कैसी होनी चाहिए, और आपको अपना स्टैंडर्ड कैसे रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोडक्ट में क्या चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें अगेन फिर वही 3 चीजों की स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं कि एक होता है कि आप अपना अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंट करके दिखाना चाहते हैं, एक वो स्ट्रैटेजी होती है, ये बिल्कुल यूनिक चीज हो गई, जैसे रोल्स रॉयस है मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, वो मतलब वो बहुत हाई क्लास के लोग ही उसको अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब वो लोग काम ही सिर्फ उस पर कर रहे हैं। फिर एक होती है फोकस स्ट्रैटेजी, एक होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, इस तरह से काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती है जिसपे काम किया जाता है। तो जब आप लो कॉस्ट लो प्रोड्यूसर की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो एक आपकी होती है लो कॉस्ट लो प्रोड्यूसर स्ट्रैटेजी। उसमें आप ये करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन को कम से कम प्राइस में लेते हैं और आप सेल भी उसको कम से कम प्राइस में करते हैं। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। मैंने वैसे ये सवाल सिर्फ फॉर फन किया था, लेकिन इसका भी आपने काफी लॉजिकल आंसर दे दिया है।
राइट नसलिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी बहुत कुछ दिल चाह रहा है आपसे पूछने का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैसेजेस आपके लिए काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास बस टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर कभी ज़रूर हम इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, आपसे ज़रूर आपकी सर्विसेज जो हैं वो हासिल करेंगे, और आपके लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज आगे के लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, स्पेशली जो आपका जो गोल है स्कूल के हवाले से, कि आप पाकिस्तान में कैसे स्कूल खोल सकें जहाँ पे लोगों को मेरिट के बगैर भी एडमिशन मिल जाए, उनके अगर मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, और साथ ही ये भी कि वो वहाँ पे ज़्यादा फीस ना हो, वो लोग भी अफोर्ड कर सकें जो बहुत ज़्यादा नहीं पैसे दे सकते हैं। तो ग्रेट, ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह ताला आपकी नीयत बहुत अच्छी है, तो अल्लाह आपको मदद भी करेगा, और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर इस तरह का मिल जाए आज के प्रोग्राम के बाद, जिसके बाद आपका ये शुरू हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको, अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो फेसबुक की पोस्ट पे मैं कमेंट भी कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम का पोस्ट, और वैसे वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर कमेंट बिल्कुल मैं बिल्कुल जरूर, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं, तो ये कोई उस तरह की मार्केटिंग तो है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब वही है ना, जजाए खैर वाला काम है कि आप दूसरों के लिए काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल आप उसको जरूर पोस्ट कीजिएगा, और फिर हम जरूर पे मतलब लोग देखेंगे और आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। नसलिया, इंशाल्लाह ताला मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।